ओम शांति। आज 16 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप का बाप की दिल पर चढ़ेंगे। सच्चाई की बात यह है कि पतित पावन तो बाबा है और बाबा की याद से ही आत्मा पतित से पावन बनती है। बाबा ने क्यों कहा हमको कि तुम पतित से पावन बनाने का धंधा करो, हमारी याद से थोड़ी पावन बनेगी। क्या हम बना सकते कई आत्मा को पतित से पावन? ज्ञान देकर, बाबा से जोड़कर, सेवा, हम केवल उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, बता सकते हैं, परिचय दे सकते हैं कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करके आप पावन बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वे कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, सावरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से बताए हैं, इन्हें आप फिर से रिवाइज करिए, कि वो कभी पुराने मित्र संबंधियों से बुद्धि योग नहीं जोड़ेंगे और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मुहा बनते हैं। ये बहुत जरूरी है, नष्टो मुहा, तभी पुरुषार्थ हो सकता है। जो मोह वाले हैं उनका पुरुषार्थ नहीं हो सकता, मोह वालों को तो वही मोह वाले लोग खींचेंगे, जो नष्टो मोहा होंगे वो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। वे कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते। ये तो बहुत बड़ा पाप होता है, किसी की दिल खराब करना ये बहुत बड़ा पाप है। बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, बाबा को फॉलो करेंगे, बाबा जैसी सोच रखेंगे, बाबा जैसी वाणी रखेंगे, बाबा जैसे कर्म करेंगे, सेवा करेंगे। सावरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देंगे। सांवरे को गोरा माना जो कलयुगी आत्माएं हैं उनको अच्छा संगम युगी बनाना, और खारे को मीठा, कोई कड़वे बोल बोलने वाले हैं उनको मीठा बनाना, और कोई पतित आत्मा उनको पावन बनाने के लिए प्रेरित करना, और सदा हर्षित रहते हैं, खुश रहेंगे, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो सदा हर्षित रह सकती है। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं, उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे, अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखलाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपनी दिल से पूछते रहे, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है, अनेक प्रकार के धंधे हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग, ये फिर है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो? दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो बात है कि पतित आत्माओं को पावन बनाना, इस काम को बाबा कैसे करता है वो बच्चे ही जान सकते हैं, लेकिन दुनिया वाले इस बातों को नहीं जानते हैं। अगर दुनिया वाले जानते होते तो गंगा यमुना नदियों को पतित पावनी ना कहते, गुरुओं के पांव धो करके ना पीते, वो तो यही समझते हैं ना ऐसे हम पावन बन जाएं। बाबा हमको बताता है पावन बनना है दो तरीके से, एक है शिव बाबा को याद करना है और याद से शक्ति आती है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है,
तब आप पावन बनेंगे। पवित्रता की धारणा और दिव्यता दोनों चाहिए। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के हम बने, बाप आया है हमको पावन बनाने, तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया, ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली, बच्चों का भी यही काम है। शुरू शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था, उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। ये बाबा सिंध पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उस समय तो वो भारत था, हिंदुस्तान था। तो उस समय बाबा कहते हैं कि जो स्थान था वो तो बहुत छोटा था, उसमें कितनी आत्माएं आती थी, उसी में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली। इसे बाबा का आगमन उस घर में हुआ। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया, तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है, फिर शिक्षा भी देनी पड़े, पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। बाबा ने कहा अनाड़ी भी खोल सकते हैं, खोल कर जो पढ़ने पढ़ाने वाले जाते हैं उनको देंगे, आप प्रिंसिपल बन जाओ जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना, कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना, किसको कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है। समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वो तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, ये तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। फिर बाबा ने कहा कि जो अब तुम धन के बने हो, फिर और निधनकों को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बन आते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बाप के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही। फिर बाबा ने हम बच्चों से कहा पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है, अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ। बाबा कहते हैं चेकिंग करो, अगर परमात्मा से प्यार है तो प्यार का जो सबूत है वो है परिवर्तन, तो आत्मा पतित से पावन बनेगी। कल्पांतर की बाजी हो जाएगी, समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है, ईश्वर को पाया भी फिर भी ये धंधा न सीखे, बाप के दिल पर वो चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है, बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं, बच्चों के तन में विराजमान हो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं, तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं जब शुरू में बाबा ने कहा जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, बाप को फॉलो करेंगे, तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, क्या हम सच में शिव बाबा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, उन जैसी सेवा करते हैं। बाबा ने कहा कि सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, जो पावन नहीं बनते वो सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, नंबर वार आना है, आगे वो पीछे आते हैं ना, बीच से तो निकल तो नहीं निकल आएंगे, जैसे झाड़ होगा वैसे ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता। फिर बाबा ने कहा कि ऊपर जाने की कोशिश करते हैं परंतु है तो बेअंत, बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवें, हम आत्माएं ऊपर में रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं, आकाश तत्व तो बड़ा है,
ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। ये कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता, उनकी बुद्धि में है ही पाठ बजाने का। ऐसे नहीं कि महतत्व का पता लगाना होगा, यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा। देखिए, एक है आकाश तत्व, एक है ज्योतिमय तत्व। तो बाबा कहते हैं आकाश तत्व भी अनफैदमेबल है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, इतना बेहद का है। परंतु तो उससे भी पार सूक्ष्म लोग, उससे भी पार जो है वो है हमारा परम धाम। तो बाबा कहते हैं आत्माएं जाती हैं और जाकर के अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाती हैं। ये नेचुरल प्रोसेस जो चलता है वो स्पिरिचुअल ग्रेविटेशन का है कि अपने आप नीचे आ जाती हैं। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तत्व को ज्ञान का सागर थोड़े कहेंगे, बाप को तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, वो तत्व कैसे आप समान बनाएंगे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया कर्म और योग। बाबा ने जो तत्व की बात की ये समझने की है, क्योंकि लोग तो ब्रह्म तत्व को भगवान मानते हैं, उसको तो भगवान क्या करता है, भगवान तो पतित आत्मा को पावन बनाता है। क्या तत्व पावन बना सकता है, वो तो जड़ है, चेतन तो नहीं है। उसमें चेतन आत्मा जाके निवास करती हैं, घर है, घर में घर आप किसी के घर जाते हैं तो आपको काम किससे, घर से तो नहीं है ना, आपको काम घर में रहने वाले व्यक्ति से। ऐसे शिव बाबा जो कि वहाँ निवास करते हैं उनसे हमको काम है, तत्व थोड़ी पावन बनाएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, आज वरदान दिया कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव ये निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। और स्लोगन है आज का, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद न आए। याद आती है जब हम कोई चीज चाहते हैं किसी से, या किसी व्यक्ति से बहुत प्यार है, या किसी से खतरा है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको किसी को भी याद नहीं करना, सिर्फ मुझे ही याद करो, मुझसे ना तुम्हें खतरा है ना कुछ, और मैं ही तुम्हारे सारे काम संवारने वाला हूँ। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका आप स्पष्टीकरण चाहते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से, तो आप अपने प्रश्नों को मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।